प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का शुभारंभ बीजेपी विधायक के द्वारा संपन्न हुई। विकासखंड ब्रजमनगंज कोलुई बाजार जिला महाराजगंज विधायक बजरंग बहादुर सिंह ने अपने हाथों से फीता काटकर संस्था का शुभारंभ किया। साथ में ही उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आज की पीढ़ी के लिए एक वरदान बनी हुई है। जो भी शिक्षित बेरोजगार इधर उधर घूम रहे हैं, वह इस योजना के माध्यम से हुनर प्राप्त कर अपने जीवन की शैली को मजबूत कर सकते हैं। वह उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना उत्पन्न होगी। इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने यह भी कहा कि मैं सरकार से चाहूंगा कि इस तरह की योजनाएं दिन प्रतिदिन आती रहें, जिससे हमारे देश में गरीबी धीरे धीरे दूर होती जाए। जो भी व्यक्ति हुनरमंद हो जाएगा, हुनरमंद होने के बाद सरकार उसे प्रोत्साहन राशि उसको आगे बढ़ने के लिए देगी। इस कौशल विकास योजना के उद्घाटन समारोह में बच्चों के साथ बच्चियों ने भी दमखम के साथ अपनी भागीदारी दर्ज कराई। क्षेत्र के सम्मानित जनता काफी योगदान दे रही है। संचालक आरती गुप्ता को 120 बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए सरकार द्वारा सहयोग राशि भी दी गई है। इस अवसर पर आरपीएस कल ट्रेनिंग सेंटर कुली बाजार महाराजगंज को भी अधिक बढ़ावा देने के लिए बजरंग बहादुर सिंह विधायक ने मैनेजर आरती गुप्ता को 20 पीस कुर्सी व सहयोग राशि में 5,000 का योगदान दिए। उपस्थित ट्रेनिंग सेंटर के सभी कर्मचारी गण, जिसमें रविकांत गुप्ता, रिटेल मार्केटिंग दिलीप कुमार, पाठक लैब टेक्नीशियन उल्ला खान आदि उपस्थित रहे। भाई रामफल गुप्ता जी, आदरणीय मधु सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष आदरणीय कन्हैया चौहान जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य आदरणीय योगेंद्र यादव जी, ब्रिजमनगंज के लोकप्रिय ब्लॉक प्रमुख आदरणीय हरिश्चंद्र सोनकर जी,